हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में एक ऐसे कंपनी की बात करने वाले हैं जो कि अभी डीमर्ज हुई है एक कंपनी में से, एक बड़े नाम में से, और राकेश झुनझुनवाला भी उसमें पहले होल्डिंग रखते थे बट अभी डीमर्जर हो रहा है। और एक ऐसी ही सेम कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की एक कंपनी है वो इन्वेस्ट करने जा रही है, तो उसी के सिमिलर का बिजनेस मुझे लग रहा है, तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करिए। एज वेल एज आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी। एक 775 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड दिया है, वो से रिलेटेड कुछ रिजल्ट से रिलेटेड जो परसों की डेट में और कल की डेट में आते हुए हमें दिखाई दिए थे। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 423 रुपीस का यहाँ पर प्राइस चल रहा है, तो लगभग 4% नीचे गिरा था। बट अगर बात करें कुछ दिन, अगर 5 डेज का चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा ऊपर जंप थी, फिर उसके बाद नीचे गिरावट। इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है, क्योंकि डीमर जो है वो मार्च में ही ये अलग से लिस्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया है। 271 रुपीस पर ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद से अगर देखते हैं तो एक मुफ्त रैली है लगभग 60% का, एक बार आपको जंप एक महीने के अंदर रिटर्न मिलते हुए दिखाई दिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मार्च को यहाँ पर 241 का था। अगर बारे में एक ही बात करते हैं 463 रुपीज़ पर ये शेयर जाके नीचे आया है। बात करें 360,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस लगभग 55% यहाँ पर शेयर उठाए गए हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में और भी कुछ चीज़ों में हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया और रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट जैसे आएंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज वेल एज पब्लिक की होल्डिंग अच्छी खासी है यहाँ पर। अगर हम और भी यहाँ पर कुछ पैरामीटर देखते हैं तो कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, जो कि आगे चल के हम अभी वो फाइनेंशियल्स देखेंगे। तो जिस कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं पहले तो वहाँ चले जाते हैं। देखिए यहाँ कंपनी का नाम है जुबिलेंट इंग्रीविया, ओके इस कंपनी का नाम है। और बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल की, तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल लीडर्स है ये कंपनी अमॉन्ग टॉप 3 ब्रांड्स इन इंडिया फॉर सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर एंड द सिग्निफिकेंट एग्रो न्यूट्रिएंट प्लेयर्स। मतलब ये न्यूट्रिशंस बनाता है ह्यूमंस का एज वेल एज एनिमल्स का, और उसमें अगर बात करें फर्टिलाइजर में भी ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, एग्रो में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, फूड पॉलीमर आप देख लीजिए इसमें कंपनी ने काम करती हुई नंबर 1 इन इंडिया एंड ग्लोबली नंबर 3 PVA इन सॉलिड फॉर्म। PVP लेटेक्स की बात करें नंबर 1 इन इंडिया अमॉन्ग द टॉप 3 प्लेयर है ग्लोबल फॉर द विनाइल पैराडाइन लेटेक्स एंड ऑटोमोबाइल टायर्स। एंड यहाँ पर देखिए इनमें भी ये कंपनी और कंज्यूमर गुड्स में भी इन द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड इन इंडिया इन कंज्यूमर एडेसिव ओके एंड अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द इंडियन वुड फिनिशिंग मार्केट। तो इसमें भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एडेसिव मार्केट मतलब जैसे कि आप देखा होगा फेविकॉल वगैरह इसी तरीके का ये प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मतलब ये ह्यूमन लाइफ और इससे रिलेटेड ये चीज़ें बनाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर अगर हम कुछ नीचे रहेंगे यहाँ पर अगर इंग्रीविया का भी मतलब देखेंगे ना एग्री इंग्रीडियंट्स एंड लाइफ दोनों को मिला के जो वर्ड बना है वो इंग्रीविया बना है, इसलिए इस कंपनी का नाम यहाँ पर जुबिलेंट इंग्रीविया है। एक तरीके के लाइफ साइंस से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्पेशल केमिलिटी इंग्रीडियंट्स ओके क्रॉप प्रोटेक्शन में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। यहाँ पर देखिए फार्मा में कंपनी एनिमल न्यूट्रिशंस ह्यूमन न्यूट्रिशंस पर्सन केयर अदर इंडस्ट्रियल यूजेस न्यूट्रिशंस देखिए ह्यूमन एज वेल एज एनिमल न्यूट्रिशंस में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। लाइफ साइंस में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। उनके ऑल प्रोडक्ट्स पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट आपको देखती हुई नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा और रिसर्च करिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो इसी तरीके की देखिए एक कंपनी और है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जेडिला कैडिला, यहाँ पर जायडस कैडिला टू सेल इट्स इंडिया फोकस एनिमल हेल्थ ओके एनिमल हेल्थ से रिलेटेड जो इनका बिजनेस है ओके वर्थ रुपीज़ कितना लगभग 3,000 करोड़ का वो बेचने जा रही है। और किसे, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे राकेश झुनझुनवाला पार्टनर एक कंपनी है रेयर एंटरप्राइजेज, दे आर थिंकिंग टू बाई इट
ओके, मतलब राकेश झुनझुनवाला भी इस तरीके के बिजनेस को खरीदने जा रहा है, तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है और अभी डीमर्ज हुआ है। किससे अगर बात करें तो देखिए, ये इससे ये बिजनेस जो है ना डीमर्ज हुआ है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाते हैं थोड़ा सा, और शायद मैंने न्यूज़ यहाँ पर डिलीट कर दिया, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर आपको ये जुबिलियंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कहते हैं जुबिलियंट लाइफ साइंस, उससे अलग हुआ है। तो दो, एक जुबिलियंट फार्मोवा एज वेल एज जुबिलियंट, बात करें यहाँ पर हम ये लाइफ से, ये इंग्रीविया, ये दो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर देखिए फार्मोवा एंड इंग्रीविया, ये दो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जुबिलियंट लाइफ साइंस से यहाँ पर अलग होता हुआ दिखाई दिया है। अभी एक बार बात कर लेते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स की। तो देखिए, डीमर्ज फ्रॉम जुबिलियंट लाइफ साइंस वॉज डन ऑन, मतलब 1/2/2021 को यहाँ पर अलग हुआ था, फिर उसके बाद ये कंपनी यहाँ पर लिस्ट होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा खासा यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए डिटेल्स यहाँ पर कुछ खास दे नहीं रखी, ओके, बट अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 50% और FIs की होल्डिंग देखिए 24% की होल्डिंग ना FIs ने ले रखी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के ना अगर हम बिजनेस करेंगे तो इससे शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा गेन मिले। राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला देखिए 5-6% की हिस्सेदारी है ऑलरेडी इस बिजनेस में। यहाँ पर देखिए एक वन पर, मतलब पब्लिक के पास भी थोड़ी बहुत ही हिस्सेदारी है, ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है। इसके अलावा अगर आप मुझे चाहें देंगे थोड़ा सा टाइम, तो यहाँ पर देखिए ये अभी तक ऊपर ऊपर ही ऊपर यहाँ पर जाता हुआ, ज़्यादा चार्ट पैटर्न नहीं है, ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये लगभग 700 रुपीज़ तक बहुत जल्दी पहुँचता हुआ दिखाई देगा, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ पैरामीटर दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक मिनट का टाइम दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर अब आ जाएगा यहाँ पर थोड़े से रिजल्ट्स इससे रिलेटेड अगर दे रखे होंगे तो। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स कुछ है ही नहीं कंपनी का लॉन्ग टर्म। और बोरिंग की बात करते हैं सबसे पहले, तो कंपनी के पास कोई किसी तरीके की बोरिंग भी नहीं है, ओके। अभी ये अलग हुई है कंपनी, डीमर्ज हुई है, तो धीरे धीरे यहाँ पर सब चीज़ आती हुई दिखाई देगी। इसमें रिजल्ट, अभी रिजल्ट भी आते हुए दिखाई देंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। बट मुझे लगता है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। बट अभी एक मौका है, इस तरीके के बिजनेस जो डीमर्ज हो रहे हैं ना, वो अच्छे खासे यहाँ पर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर बात करें हम आरती इंडस्ट्री एक ऐसे, आरती अगर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट दीजिए मुझे। देखिए आरती इंडस्ट्री में से ना, आरती सर्फेक्टेंट से लास्ट ईयर डीमर्ज हुआ था, लगभग 200 या 300 रुपीज़ के आसपास डीमर्ज हुआ था। और उसके बाद जो भागता हुआ शेयर निकला ना, मेरे भी हाथों में पकड़ में नहीं आया, सीधे अपर सर्किट अपर सर्किट लास्ट में 600-700 रुपये अपर सर्किट ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं खरीदने की। और आज की डेट में बात करें तो लगभग 1500 रुपये पे ये शेयर यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से जब डीमर्ज होते हैं ना, तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आप सोच के आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए। एक शेयर था जिससे रिलेटेड मेरे को आपको बताना था, तो यहाँ पर इसी तरीके का एक और शेयर है जो कि मैं अगली वीडियो में आपके पास पेश करूँगा, तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देख लीजिए। तो कंपनी का नाम जुबिलियंट इंग्रीविया है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करके ही कोई पोजिशन है, डेट फ्री कंपनी नज़र आ रही है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।